सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं एक घर पे आया हुआ हूँ जिसका कहना है कि मीटर तक तो हमारा लाइन आ रहा है, बाकी MCB जो यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी ये आइसोलेटर है, इसके आउटपुट से इसको नहीं मिल रही है पावर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे इसका आइसोलेटर जो है वो पूरी तरीके से जला हुआ है, ये ऑन कंडीशन पे भी ये आउटपुट नहीं दे रही है। तो मैंने घर वाले से कह दिया कि आपको MCB लानी होगी, नहीं लाइएगा तो आपको डायरेक्ट जोड़ के काम चलानी होगी, जिससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। तो घर वाले को तो समझ में आ गई, तो वो उसने कहा कि चलिए अभी तो मैं चल गया उनके साथ मार्केट, और इलेक्ट्रिकल दुकान पे जब मैंने कहा कि मुझे MCB चाहिए होगी, तो वो क्या करता है कि आइसोलेटर ही मुझे निकाल के देता है। तो मैंने तो पहचान लिया आइसोलेटर है, तो मैंने कहा कि ये आइसोलेटर है, आप हमको MCB दे दीजिए। तो दुकानदार उल्टा हम ही को समझाने लगा कि आइसोलेटर ही बढ़िया है, MCB और आइसोलेटर में क्या फ़र्क है। तो होते हैं कुछ ऐसे भी दुकानदार जिन्हें MCB और आइसोलेटर के डिफरेंस के बारे में पता होती नहीं है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिसे डिफरेंस पता होने के बावजूद भी वो आइसोलेटर ही अनजान व्यक्ति को दे देते हैं, पार्टी को देख के ही वो लोग निकालते हैं ताकि उनका जो आइसोलेटर होता है वो बिक जाए। वैसे तो आइसोलेटर उतना बिकता है नहीं वैसे तो लोकल एरियाज में, तो वहाँ में ज़्यादा बकवास ना करते हुए वहाँ से MCB लेके वहाँ से मैं निकल गया, और मैंने वहाँ पे लगा दिया साइड में और उनका काम पूरा हुआ। तो मैं वैसे लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, खास करके जिन्हें MCB और आइसोलेटर के डिफरेंस के बारे में पता नहीं है, तो उन लोगों को मैं अब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड है हमारा MCB और एक साइड है हमारा आइसोलेटर। सो जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप ऐसा घर पे बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको काफ़ी कुछ नुकसान झेलनी पड़ सकती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हो, तो आपको ये करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आप सिर्फ देखते रहिए और इनके डिफरेंस को समझिए। तो ये हमारा MCB है, इसको कर दिए हम ऑन, और इसमें अभी फ़िलहाल फेस और न्यूट्रल है, इन दोनों को आपस में हम भिड़ाएंगे और देखेंगे ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे हमें प्रोटेक्शन देती है कि नहीं। तो देखिए ये अभी ऑन कंडीशन पे, और जैसे ही हम इसमें शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये इंस्टेंट ट्रिप कर जाती है। इससे हमें पता चल गई गाइस कि MCB हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। वैसे तो ये दो कंडीशन पे प्रोटेक्शन हमें देती है, एक तो ओवरलोड कंडीशन पे और दूसरी शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। तो हमने MCB को देखा प्रैक्टिकल टेस्ट करके कि MCB हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम आइसोलेटर को चेक करेंगे, तो आइसोलेटर को भी हम ऑन कर देते हैं और इसमें भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये ट्रिप करती है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और इसमें देखिए काफ़ी हेवी शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन आइसोलेटर में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। ये बिल्कुल भी ट्रिप नहीं करती है गाइस, भले आपका कितना भी बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये सिर्फ स्विच का काम करती है जिससे हम सिर्फ ऑन ऑफ ही कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी। तो अंत में मैं यही आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में एक भी MCB लगी हुई नहीं है, तो आप आइसोलेटर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, MCB ही वहाँ पर यूज़ करें।